वहीं लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की नौवीं लिस्ट जारी की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर जानकारी दी और प्रत्याशियों को बधाई दी है। आपने यूपी की 3 विधानसभा में प्रत्याशी बदले हैं और नए प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी की है। यूपी में अब तक आप करीब 353 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी पार्टी, ऐसा पार्टी का कहना है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने घोषित प्रत्याशियों को बधाई दी है। पार्टी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील भी की। बांदा में ट्रक और क्रूजर जीप की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फतेहपुर से बांदा की तरफ आ रहे ट्रक ने क्रूजर सवारी जीप में जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर सीओ सदर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया। मामला तिदवारी थाना अंतर्गत बांदा फतेहपुर मार्ग पर छापर गाँव का है। छापर गांव में तिंदवारी कस्बे से आगे सामने से ट्रक आ रहा था, जिसमें एक्सीडेंट होने में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसमें एक बाइक सवार भी बीच में आ गए थे, जो छापर में अपनी बहन की ननद की शादी में आए थे, उनकी भी डेथ हुई है, जिसमें करीब 8 लोग घायल हैं, भर्ती कराया गया। कितनी मौतें हुई सर? 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग अभी सीरियस हैं, इनका इलाज चल रहा है। मेरठ के थाना रोहटा क्षेत्र के रोहटा में आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने सिवाल खास विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी हाजी गुलाम मोहम्मद के पक्ष में वोट मांगे। हालांकि इसके बाद जयंत चौधरी बागपत की तरफ निकल गए, लेकिन अव्यवस्थाओं को देखते हुए जयंत चौधरी खासा नाराज भी दिखे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का आज मेरठ और बागपत दौरा है, जहां जयंत चौधरी सबसे पहले मेरठ की कैंट विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे, जिसके बाद वो सिवाल खास विधानसभा सीट की तरफ निकल गए। यहां रोहटा में उनकी एक जनसभा का प्रोग्राम रखा गया था। जनसभा में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे भी, लेकिन रैली स्थल से लेकर स्टेज तक अव्यवस्थाओं को बोलबाला रहा, जिसे देखकर जयंत चौधरी नाराज भी हुए और अपने संगठन के लोगों को फटकार भी लगाई। संत कबीरनगर की मेहदावल विधानसभा सीट से बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी ने आज नामांकन दाखिल किया। अनिल त्रिपाठी की माने तो अनिल त्रिपाठी की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। मेहदावल विधानसभा सीट पर अन्य सभी दलों की जमानत जब्त होने जा रही है। जीत के बाद मेहदावल विधानसभा में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति और तेज की जाएगी। देखिए, नामांकन दाखिल करने के बाद अभी तो बाकी प्रक्रिया पूरी करनी है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के बाद जीतना है, जीतने के बाद एक ही एजेंडा है, वो है अपने क्षेत्र का विकास, सबकी समृद्धि और सबकी उन्नति। मैंने आप पहले भी कहा है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कोई ऐसा मामला नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो हो गया, ये निरंतर प्रक्रिया है और ये कभी इसका कोई अंत नहीं है। और अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उन्नाव गंगाघाट पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 तमंचे, विभिन्न बोर, 1 राइफल, अदबनी 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और वहीं अवैध असलाह बनाने के उपकरण बरामद कर एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।